नमस्कार जोहार, आप सभी का संथाल डायरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं शारण। शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना जीना बेकार है। पिछले कुछ सालों में कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जहां कई स्कूलों में ताले लगे, बच्चे किताबों से दूर हो गए, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन ना होने के कारण बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रह गए। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के जीवन में एक आशा की दीप जलाई है जामताड़ा के उपायुक्त श्री फैज़ अहमद ने। इनके मार्गदर्शन में सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत की गई। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं जामताड़ा, जहां बच्चे इस पुस्तकालय में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक फीचर के माध्यम से। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा आज सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पूरे देश में शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ध्येय यह है सभी पढ़े, सभी शिक्षित हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे। इन कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। शिक्षा के स्तर में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी बहुत काम करने बाकी हैं ताकि देश शत प्रतिशत शिक्षित हो, और इसके लिए सभी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिला के जिया जोड़ी गांव में हैं और यहां पर सामुदायिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। इस पुस्तकालय से किस प्रकार से ग्रामीण एवं छात्रों को किस प्रकार से लाभ हो रहा है, आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो छात्र हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पुस्तकों का आनंद ले रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत ही हम लोग को लाभ मिल रहा है लाइब्रेरी खुलने से, और बहुत सारे किताब हम लोग खरीद नहीं पा रहे थे, जिस कारण हम लोग किताबें उपलब्ध कराया गया जिला से। तो हम लोग इस लाइब्रेरी खुलने से बहुत ही फ़ायदा ले पा रहे हैं। पुस्तकालय नहीं था तो क्या परेशानी होती थी, और आज पुस्तकालय हो जाने के बाद क्या सुविधा हुई, दोनों के बारे में? परेशानी ये होती थी कि कोई बाहर में कहीं ग्राउंड में बैठते डिस्कस करते थे तो बरसात के मौसम में या धूप के मौसम में बहुत ही दिक्कत होता था। तो अभी पुस्तकालय खुल जाने से हम लोग को मतलब काफ़ी सारे लाभ हो रहे हैं। अभी ज़िले के सभी 118 पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है, और इन पुस्तकालयों में प्रत्येक सप्ताह दो दिन जिला के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी गाइडेंस क्लास लेते हैं। इसके अलावा इसमें शिक्षकों ने इन पुस्तकालयों को गोद भी लिया है, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तकालय यहाँ के युवाओं के, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उन्हें सही मार्गदर्शन देगा और एक अच्छा माहौल देगा पढ़ने लिखने का, ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ सकें। ऐसा ही एक सकारात्मक प्रयास जामताड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है। जामताड़ा झारखंड के संथाल परगना का एक महत्वपूर्ण जिला है। भगवान भोलेनाथ की नगरी देवघर से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जामताड़ा जिला। यह जिला अपने कनकन में स्वर्णिम इतिहास समेटे हुए है। यह जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। वर्तमान में यह जिला बहुत विकसित तो नहीं, परंतु झारखंड के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ जामताड़ा भी विकास की ओर उन्मुख है। ये एक शिक्षा का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है हम लोगों को। पहले भी हम लोग तैयारी करते थे, लेकिन जो तैयारी कर रहे थे रास्ते में रुकावट जो आ रही थी, प्लेटफॉर्म मिलने के कारण हम लोग को वो रुकावट नहीं आ रहे। जैसे कि किसी प्रश्न पर हमें अगर प्रॉब्लम होता था तो उनके लिए हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जा कर के सर के पास सॉल्व कराना पड़ता था। अभी वो नहीं करना पड़ रहा, कोई सीनियर है तो उनका घर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मिल जाते हैं, उसका सॉल्व हो जाता है। कोई गरीब बच्चा ट्यूशन नहीं ले पा रहे तो उनका भी यहाँ सॉल्व हो जा रहा है, बाकी वो क्लास के हो चाहे कॉम्पिटिशन के हो। ये हमारे लिए बहुत बड़े अच्छी बात है। और जो मेन होता है कि इसमें से हम लोग को एक ये फ़ायदा मिल गया कि हम लोग पहले से ही ऐसे ही हम लोग लाइब्रेरी तो 6 साल पहले से चला रहे थे, कि हम लोग का गाँव और शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि
पढ़ाई से जॉब नहीं मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, जॉब काम करके किसी तरह गुजारना है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, इसको बदलना है। इसीलिए जो हमारे पुराने लड़के थे, जो मतलब ग्रेजुएशन कर लिए थे चाहे इंटरमीडिएट में थे, हम लोगों ने पैसा चंदा किए, फिर लाइब्रेरी खोले कि दिखाना है कि यहाँ से जॉब होता है कि नहीं। अगर यहाँ से जॉब हो गया तो ये पंचायत केवल नहीं, पूरा जिला में धीरे धीरे पढ़ना सब कॉम्पिटिशन लाइन में शुरू कर दे। पढ़ाई तो सब करता है, मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, बाद में सोचता है जॉब नहीं मिल रहा, छोड़ देते, क्योंकि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा पढ़ाई का। कहाँ जाए तो जॉब मिलेगा, मेरा लेवल क्या है, मेरा जो ईटो है आईक्यू टेस्ट कितना लेवल का है, क्या लेवल में हम तैयारी करेंगे, वो यहाँ पर उनको मिलता है कि आपका लेवल ये है, आप इस लेवल पर जाइए, आप एसएससी लेवल के हैं, आप ग्रुप डी लेवल के हैं, आप फोर्थ लेवल के हैं। और यहाँ से ये चीज़ मिलने के बाद साल में 10 लड़के हमारी पंचायत से जॉब कर रहे हैं, कोई जेई में जा रहा है, कोई सचिव में जा रहा है, तो कोई बंगाल पुलिस में, तो कोई आर्मी में, जो कम तेज है वो आर्मी में जा रहे हैं, कोई रेलवे में जा रहा, कोई एनटीपीसी में जा रहा, कोई टीचर में जा रहा। अभी बहुत अच्छा है माहौल, और ये देख करके ये पंचायत नहीं, अगल बगल के पंचायत में बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं अभी। और ये हम लोग को मिला लाइब्रेरी बनने के बाद, और सुविधा मिल गया, ऐसे तो छोटा सा खुला हुआ था ही, इसको और बड़ा मिल गया। अभी इसमें केवल जियाजरी पंचायत नहीं, अगल बगल के पंचायत भी लड़के आते पढ़ने के लिए। खैर इस टाइम तो अभी खाने पीने का टाइम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे 10 बजे हो शाम को, बच्चे आते पढ़ने, बगल के पंचायत से भी आते हैं। ये माहौल के लिए यहाँ पर क्या आप लोग जो सदस्य बनते हैं, तो क्या सदस्य शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है पुस्तकालय कि निःशुल्क? नहीं नहीं, निःशुल्क है। एक तो निःशुल्क है ये है, जिसके सक्षम है देने के लिए, वो किताब कॉपी जैसे रफ कॉपी होता है, पेन होता है, उन लोग को हम लोग फ्री में देते हैं। और गाँव वाला भी हम लोग को सहयोग देता है, चंदा देता है कि जा तुम लोग पढ़ो, कुछ तो नाम होगा उनके भी, कोई पेपर डोनेट करता है कि जा हर डेली का पेपर आता है, कोई पैसे डोनेट कर दिया जी जा तुम लोग कलम खरीद लेना 50-30, बहुत सहयोग देता है गाँव वाला। इसी जामतारा जिला के अंतर्गत कुंडी हित सहित सभी 118 पंचायतों में पुराने सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार कर सामूहिक पुस्तकालय बनाया गया है, और ये कार्य हुआ है जामतारा के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फैज अहमद मुमताज के पहल पर। 13 नवंबर 2020 के पहले पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया तथा अगले 5 महीने के अंदर सभी 118 पंचायतों में पुस्तकालयों का निर्माण किया गया, और आज ये सभी पुस्तकालय पूरे राज्य में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं। इन सामुदायिक पुस्तकालयों के माध्यम से आज प्रतिदिन 5,000 से अधिक छात्र छात्राएं अपना भविष्य गढ़ने में लगे हुए हैं। पुस्तक हम लोग को जब ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ है उस टाइम हम लोग को जिला से कुछ पुस्तक डोनेट किया गया है, उसके बाद जो पुस्तक जरूरत हम लोग पढ़ता है वो हम लोग बाज़ार से ले आते हैं, या फिर कोई साथी है जो जॉब कर यहाँ से पढ़ करके निकल गया है जॉब कर रहा है वो पैसा डोनेट करता है, उससे हम लोग किताबें खरीदते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। जियाजुड़ी में सामुदायिक पुस्तकालय क्या पहले भी था? नहीं, पहले मतलब हम लोग सब लड़का लोग पढ़ने वाले लड़का लोग मिल करके एक छोटा सा लाइब्रेरी की तरह स्टार्ट किए थे, बगल में स्टार्ट किए थे। उस टाइम हम लोग लगभग 3-4 साल हो गया चलाएं, उसके बाद फिर डीसी साहब ने जर्जर मकान था इसको मरम्मत करवा करके हम लोग को एक अच्छा लाइब्रेरी के तौर पर हम लोग को गिफ्ट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए और हम लोग पढ़ाई किए, और अभी हाल फिलहाल में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी हम लोग लगभग यहाँ से 8-10 लड़का क्वालिफाई किए पीटी सेकेंड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 50-60 बच्चे प्रतिदिन आते हैं पढ़ने के लिए। हाँ अच्छा, और यहाँ पर जो किताब कॉपी के काम मिलता है, किताब कॉपी मतलब हम लोग को उस तरह प्रोवाइड नहीं किया जाता, जैसे गांव में गांव वाला हम लोग को डोनेट करता है, या फिर कोई बोले ना कि साथी जो जॉब कर रहा है वो हम लोग डोनेट करते हैं, उससे हम लोग लाते हैं और फिर अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई पढ़ाने भी आते हैं? हाँ, पढ़ाने आते हैं, हम लोग का जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो प्रोवाइड किया गया, प्रत्येक बुधवार को आते हैं, और थाना प्रभारी आते हैं कभी कभी जब उसका ड्यूटी नहीं रहता है तब हम लोग संडे के टाइम आते हैं पढ़ाने के लिए। और हम लोग का सर भी है जो पटना से तैयारी करके आए हैं, वो हम लोग को थोड़ा क्लास यहाँ पर करवाते हैं।
कोई मतलब मान लीजिए कोई हम मैथे बना रहे हैं तो कोई सवाल मेरा प्रॉब्लम है हम नहीं कर पा रहे हैं तो सर यहाँ बैठे रहते हैं ये भी तैयारी करते हैं उसे पूछ लेते हैं सर को कि सर ये वाला कैसे होगा थोड़ा बता दीजिए तो बता देते हैं उस तरह हेल्प होता है। और प्लस हम लोग का जो सीनियर है हम लोग का सीनियर है और सीनियर से भी पूछ लेते हैं हम लोग का जो पंचायत सचिव है राजेश झा उस वो भी आते हैं उससे भी थोड़ा पूछ लेते हैं वो हेल्प करते हैं हम लोग को। उपायुक्त जामतारा के इस पहल का लाभ जामतारा अंतर्गत सभी धर्म वर्ग एवं समुदाय के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। वे बिना किसी संकोच एवं असुविधा के निःशुल्क उपलब्ध पुस्तकों एवं पत्रिकाओं आदि से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं एवं जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जियाजोड़ी पंचायत के पंचायत सचिव राजेश कुमार झा जी हैं जो कि हमें बताएंगे कि सामुदायिक पुस्तकालय का निर्माण होने से किस प्रकार से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं। आप हमें ये बताइए कि सामुदायिक पुस्तकालय इस तरह से यहाँ पर जो निर्माण हुआ है ये मतलब किस उद्देश्य से हुआ। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि युवा वर्ग जो इधर उधर भटक रहे थे अपने मार्ग से भटक रहे थे वो शिक्षा के मार्ग से जुटे, और शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम समाज का कल्याण कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ही नहीं हर एक पंचायतों में अभी जो तैयारी करने वाले हैं खासकर हम जियाजोड़ी पंचायत का बात बोलेंगे यहाँ पे जो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे पंचायत जो आप देख रहे हैं पुस्तकालय भवन ये एक जनसन भवन था जिसको हमारे उपायुक्त माननीय उपायुक्त महोदय के सोच के द्वारा इसको बदल करके एक लाइब्रेरी का आकार दिया गया। और यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं मनरेगा में मजदूरी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ में, और इन्होंने बहुत अच्छा किया है इस लाइब्रेरी की मदद से। अभी NTPC में 4-5 लड़के क्वालिफाई किए हैं और कुछ मैंने पंचायत सचिव सेक्रेटरी का जो निकला था इससे कुछ पहले उसमें भी फाइनल सिलेक्शन कुछ लड़के का हुआ है। और जो इन लोगों का कुछ मानना था कि हमें कुछ किताबें नहीं मिल पाती है या अपना एफर्ट नहीं कर पाते हैं खरीद नहीं पाते हैं जिसको कि माननीय उपायुक्त महोदय के सोच के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ प्रशासन से सप्ताह में 3 या 4 दिन यहाँ पे फैकल्टी के रूप में भी आते हैं जो इन्हें मदद करते हैं। हम लोगों को भी जब जब समय मिलता है हम मॉर्निंग आवर में खास करके हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। थाना प्रभारी भी अपने समय अनुसार आते हैं और हर एक बुधवार को एक फैकल्टी हैं जो टीचर हैं वो आते हैं इनका मार्गदर्शन करते हैं। मैं यहाँ मतलब टीचिंग करता हूँ और तैयारी भी यहाँ कराते हैं सभी को और खुद भी मतलब तैयारी करते हैं। अभी फ़िलहाल NTPC निकाले हैं और पंचायत सचिव भी निकाल चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है और सभी को यहाँ मदद करता हूँ मतलब पढ़ाने मैथ रीजनिंग साइंस। तो आप तो सेवा पढ़ा रहे हैं। जी तो कितना आनंद मिलता है सर? बहुत आनंद मिलता है, मतलब मेरा शुरू से हैबिट है मतलब सिखाने का, मतलब किसी को सिखाना ये शुरू से मेरा बचपन से ही मतलब हम पढ़ाते हैं और अभी इसमें बहुत मतलब आनंद मिल रहा है। सर हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि गांव में भी लाइब्रेरी बनेगा, हम लोग सुने थे कि सिटी में बड़े बड़े शहर में लाइब्रेरी है लेकिन यहाँ अगर मतलब यहाँ सामुदायिक लाइब्रेरी बन गया तो हम लोग इससे बहुत लाभान्वित है मतलब लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास मतलब बुक नहीं है, अच्छे अच्छे बुक है वो सक्षम नहीं है, वो यहाँ आके पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। ये पुस्तकालय नहीं होने से आप लोगों को क्या क्या समस्या है? सर ये पुस्तकालय नहीं होने से बहुत दिक्कत होती थी, बाहर में पहले हम लोग तैयारी करते थे ग्राउंड में बैठते थे, धूप बरसात हो उस टाइम हम लोग नहीं कर पाते थे, पानी पड़ता था हम लोग सभी कोई वहाँ से भाग जाते थे, और यहाँ अभी स्थाई मिल गया है इसलिए यहाँ आराम से हम लोग एनी टाइम कभी भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे आपने यहाँ बताया कि रात में पढ़ते हैं तो यहाँ तो पुस्तक तो मिलती ही है, जी जी जी, लेकिन और क्या क्या यहाँ पर सुविधा है पुस्तकालय? और सुविधा यही है कि सर मतलब पेयजल की सुविधा नहीं है फिलहाल, हम लोग बगल से लेते हैं, बगल में ही है चापाकल है वहाँ से लेते हैं। बिजली की सुविधा है, सोलर भी लगा हुआ है, चापाकल नहीं है, शौचालय भी नहीं है तो इसमें थोड़ा दिक्कत है।
समय समय पर पुस्तकालय के द्वारा गाइडेंस क्लासेस भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका सीधा लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। खासकर जामतारा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लड़कियों को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है, जो कई कारणों से पढ़ नहीं पाती थी। उन्हें उनके गांव में ही निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हम सभी शिक्षा के महत्व को समझें तो हमारे राज्य में साक्षरता दर में बदलाव देखने को मिल सकती है।